घड़ी चोरी हो गई तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म नाहेल हो रहे हैं, वहाँ पर तोहफे चोरी करके तोहफे बेचे जा रहे हैं, तो बेचे हुए तोहफों की वजह से केस चल रहे हैं, 2-2.5 लाख 4 लाख का घपला इमरान खान का, करोड़ तो 40 लाख के वो बटन कफलिंग्स बटन ही कहते हैं उसको, मैं तो बटन ही कहूँगा। तो खैर बहरहाल इन चीज़ों पे इश्यूज चल रहे हैं और यहाँ पर इतने नाजुक चीज़ें, इतनी फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पे बात हो रही है और आईटी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, थैंक यू इंडिया, थैंक यू इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है थैंक यू इंडिया, पीएम मोदी, यूएन चीफ लॉन्च मिशन लाइफ वर्ल्ड लाउड साइन या सिग्नेचर, आई डोंट नो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मिशन लाइफ पीसी की अवधारणा को मजबूत करेगा। पीसी यानी नो प्लेनेट। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इस बात की चर्चा रहती है कि कौन किस देश या गुट के साथ है और कौन किस देश या गुट के खिलाफ है। लेकिन मिशन लाइफ धरती के लोगों को प्रो प्लेनेट पीपल के तौर पर जोड़ता है, उनको अपने विचार से समाहित करता है, एक कर देता है। ये लाइफस्टाइल ऑफ द प्लेनेट, ये लाइफस्टाइल ऑफ द प्लेनेट फॉर द प्लेनेट एंड बाय द प्लेनेट की मूल सिद्धांत पर चलता है। Thank you.
जी जनाब, पूरी वीडियो के दरमियान में मेरे जहन में क्या चल रहा था? मेरे जहन में ये चल रहा था, यहाँ क्या बातें हो रही हैं, क्या डिस्कशन हो रही है, किन चीज़ों पे, किन मसलों पे मीटिंग्स चल रही हैं, किन चीज़ों पे साइन हो रहे हैं. चीज़ें देखें, दुनिया के फ्यूचर के इश्यूज़, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ कि हमारी आधी आबादी को तो इस इशू का पता ही नहीं होगा कि इन्वायरमेंट इशू क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, इसके असरात क्या होंगे. ये मतलब है कि बड़े आगे के मसले हैं. और हमारे यहाँ पे घड़ी चोरी हो गई तो उस पर वज़ीर आज़म नाहेल हो रहे हैं, वहाँ पे तोहफे चोरी करके तोहफे बेचे जा रहे हैं, तो बेचे हुए तोहफों की वजह से केस चल रहे हैं, 2.5 लाख 4 लाख का घपला इमरान खान का, करोड़ तो चार 40 लाख के वो बटन कफलिंग्स बटन ही कहते हैं उसको, मैं तो बटन ही कहूँगा. तो खैर बहरहाल इन चीज़ों पे इश्यूज चल रहे हैं और यहाँ पर इतने नाजुक चीज़ें, इतनी फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पे बात हो रही है. और आईटी, अच्छा ये तो इश्यूज हैं इन्वायरमेंट के, इसके अलावा दूसरे अगर कोई प्रॉब्लम से बात हो रही है तो वो भी बड़े बड़े मतलब है कि यूएन की चीफ, बड़ी बात, बहुत. एक चीज़ मैं ये सोच रही थी आखिर में जब मैंने यूएन चीफ को देखा कि फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया जा रहा था, आपने देखा था यूनिटी ऑफ केवड़िया गुजरात, यानी कि वही वल्लभ भाई पटेल जी थे, तो मैं हैरान हो रही हूँ इतना सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट, इतना चीज़ों को समझना, इतने अटैच्ड इंडिया से. बिल्कुल, यानी आपने देखा मैसेजेस, सब ने डिटेल्ड मैसेजेस किए हैं बाकायदा, बिल्कुल प्रॉपर वीडियो पैगाम ने मुखातिब किया है इतनी इज्जत और वक्कार के साथ पीएम जी को कि मैं हैरान परेशान हो गई यार, इतना सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट कैसे कमा ली. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया आपको माने, आपके सामने सर खम करे अपना. मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब इंसान, कोई भी इंसान, कोई भी कंट्री अपने नाम से, अपने होने से बड़ा नहीं होता, अपने कामों से, अपने कर्मों से, अपने किरदार से, अपने दुनिया, देखो दुनिया को दिखाना पड़ता है हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम क्यों हैं. हम आपकी कोई इज्जत नहीं करता. वो जिया किशोरी जी ने क्या कहा था इतना खूबसूरत कि चढ़ते सूरज को सलाम होता है. आपको वही लोग, जय किशोरी, और भी बहुत सारे लोगों ने कहा, और भी बहुत सारे लोगों ने कहा, इनका मुझे याद है, आपको अटक गई थी जय किशोरी जी की बातें, तो उन्होंने कहा है कि चढ़ते सूरज को सलाम होता है. तो वाकई आप अगर, आप अगर वाकई अच्छे काम करेंगे तो लोग आपको याद रखेंगे. आप अच्छे ही काम करें और अच्छे कामों की वजह से ही आपको उसके कर्म मिलते हैं. अच्छा मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ ये होती है, पहले मैं आपसे ही रिलेट करी हूँ, एक बात बता दूँ, सबसे खूबसूरत ये चीज़ होती है कि आप कोई भी काम करते हो, कोई भी कार्य करते हो, कोई बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो अपने मुल्क में, अच्छा तरक्की किसकी हो रही है, आपके मुल्क की हो रही है, आगे कौन बढ़ रहा है, आपकी आवाम, आपका मुल्क बढ़ रहा है, फैसिलिटेट आप किसको कर रहे हो, आप अपने लोगों को कर रहे हो, अपनी जनता को कर रहे हो, लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि इज्जत दूसरों की नजर में आपकी बढ़ रही है, तो ये कॉमन से अप्रिशिएट दूसरे आपको कर रहे हैं. देखें, आप देखें, आगे दूसरे बढ़कर आपको सम्मान दे रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं. नहीं, बात बता रही हूँ, सही कह रहे हैं आप कि ये कॉमन सी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको भी नहीं समझते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा दूसरी बात ये है कि जब मैंने वो जो 10 रूल्स पढ़े, सुने, तो मैं कहता हूँ वो रूल्स तो ये हैं कि आप इंसान हैं और आप इंसान बनने के लिए आपके लिए रूल ज़रूरी हैं. जो सनातन धर्म के हवाले से कि हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, आप किस भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर में घंटी करते नहीं करते हैं, आप मंदिर में जाके घंटी बजा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, नहीं टेक रहे हैं, वो आपकी भक्ति है, वो आपका एक अंदर का एक इंसान है, वो आपसे करवाता है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना. आप ना भी करें, लेकिन वो 10 कोड थे, 10 रूल थे. मैं कहता हूँ वो रूल तो ये हैं कि वो तो मतलब एक चैप्टर होना चाहिए, वो हर बच्चे को, हर बच्ची को, हर शख्स को उनके ऊपर अमल करना चाहिए. वही उसूल हैं कि जिनके ऊपर आज लोग अमल करके तरक्की कर रहा है, वो देश आगे बढ़ रहा है. अगर ये उसूल, ये रूल्स हमारी आने वाली जनरेशन के अंदर चले जाएं, उनके दिमागों के अंदर डाल दिए जाएं कि आपने ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है, ये ज़रूरी है. पता है, मैं आपको पता है, अक्सर भतीजा आ जाता है कमरे में तो उससे मैं बातें कर रहा होता हूँ ना, तो उसको मैं यही बोलता हूँ कि देखो ये चीज़ होती है. अच्छा बाकायदा वो, अच्छा मैं कहता हूँ, एक मैं आपको क्या बताऊँ, एक सादी दीवार है, एक भी लिख दो, यकीन करें बस, वो बाकायदा अच्छा झूठ बोलेंगे तो ये होगा, मैंने कहा हाँ ये होगा, वो याद अपने ऊपर रिवाइज कर रहा है, अच्छा ये करेंगे तो ये होगा ना, अच्छा ये करेंगे तो ये, मैंने कहा हाँ ऐसा होगा,
यकीन करें, अच्छा अच्छा ये चीज़ें हम सिखा दें फिर भी वो बच्चा नहीं सीखेगा अगर हम उसके सामने झूठ बोल रहे होंगे। मैं कहूँ बच्चे को गाली देना गलत बात है, मैं बच्चे के सामने गाली दे रहा हूँ तो वो पता क्या कहेगा, ये झूठ बोल रहे हैं, गाली दी जाती है। अच्छा और एक और बात बताऊँ मैं आपको कि आपने अक्सर देखा होगा, हम मोदी जी की भी मिसाल ले लेते हैं, दूर क्यों जाते हैं, हम जिनसे बहुत अटैच्ड हैं, जिनके बारे में अक्सर देखते रहते हैं, जिनके बारे में अक्सर जानते रहते हैं, उन्हीं की मिसाल ले लेते हैं कि खुद दूसरों से काम करवाने के लिए उन्होंने क्या तरीका बताया कि मैं खुद करता हूँ, मैं 18-18 घंटे करता हूँ काम, मैं सोता नहीं हूँ, नींद पूरी नहीं लेता हूँ, मुझे आदत सी हो गई है, मुझे अजीब नहीं लगता, मेरी रूटीन ही वही हो गई है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दूसरे को तनकीद करने से पहले, दूसरे को बयान देने से पहले, दूसरे को सबक सिखाने से पहले आपका अमल करना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़, मैं जल्दी किसी से जैलस नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों मोदी जी को देखकर बहुत एक जलन होती है कह लें, या फिर एक अफसोस होता है, या कोई कसक, कोई ऐसा अफसुर्दा सा पॉइंट लगता है यार कि उनको इतने अच्छे पीएम मिले जिनको एनवायरनमेंट की भी पड़ी है, जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी पड़ी है, जिनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की भी पड़ी है, जिनको फ्यूचरिस्टिक चीज़ों की भी पड़ी है, हाइपर लूप की भी पड़ी है, बुलेट की भी पड़ी है, जिन्होंने अपनी लाइफ को त्याग दिया अपने कंट्री के लिए। ऐसे पीएम हमें इस दौर में देखने को मिल रहे हैं जिस दौर में हम अपने कंट्री में इतनी उथल पुथल, इतनी बर्बादी, इतनी तबाहियाँ, बैंक्रप्सी की कगार में खड़े हैं, डिस्क्वालीफाइड कर रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई यहाँ से लूट रहा है, कोई वहाँ से लूट रहा है, कोई यहाँ से खींच रहा है हमारे कंट्री को, कोई वहाँ से खींच रहा है, किसी के इशारे पे नाच रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। और वहाँ पे आप देखें किन किन इश्यूज़ पे डिस्कस हो रही है, कहाँ पे क्या मामला, कितने स्टेबल हैं वो लोग। अच्छा आप ये भी नहीं कह सकते कि वो हमसे पहले से, लेकिन साथ में आज़ादी हुई, साथ में अलग हुए, साथ में सबने उन्होंने अपना संभाला, हमने अपने मसले मसाइल संभाले, अपनी चीज़ों को लेकर चले, वो इतने आगे और हम इतने पीछे। मसला यही तो हम संभाल ही नहीं पा रहे ना, मसला यही है। तो एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खुशी हुई, दोबारा किसी और साहब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।